हाँ जी बेटा, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. हाउ टू नो अबाउट दिस द वर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे आपको पता है कि अर्थमेटिक का मतलब अगर हम देखते हैं ना, तो इसमें आप कहते हो कि प्लस माइनस वगैरह टर्म्स हम यूज करते हैं. अब प्रोग्रेशन का मतलब अगर हम देखें तो बढ़ना. अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपकी रियल लाइफ से. अगर मैं देखूँ, आपने कभी लैडर देखी? हम बहुत पुराने टाइम पे ये घरों में ऊपर रूप में चढ़ने के लिए ना घर पे लैडर्स होती थी, आज भी होती हैं, आज प्लास्टिक की या एल्यूमिनियम की होती है. अगर आप उसकी मेजरमेंट कभी करना, जो लैडर के हमारे रग्स कि ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो इंक्रीज करती है, नीचे से ऊपर जाऊं तो डिक्रीज करती है. अगर एक प्रॉपर लैडर, जब आप देखते हो आपके घर में पेंट वाले जो लगते हैं तो वो इन लैडर्स को यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर फ्लैट सरफेस होता है और दूसरी तरफ बिल्कुल लैडर ऐसे होती है, जो एक करेक्ट लैडर होती है. यानी अगर मैं लेंथ उसकी मेजरमेंट करनी सोचू ना, अगर यहाँ पर 10 है तो ये 12 होगी, ये 14 होगी इसकी लेंथ, इसकी 16. एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न, 10, 12, 14, 16, 18, सो ऑन, ये आपकी पैटर्न. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करवाऊं, बट मैं ये सोचूं कि वो जो अमाउंट डिपॉजिट करवाना है ना मैंने बेटा, जो अमाउंट डिपॉजिट करवाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो हर मंथ एक फिक्स्ड क्वांटिटी से इंक्रीज्ड करूं. अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि फर्स्ट वीक आपको 50 रुपीज मिलेंगे, नेक्स्ट वीक आपको 55 मिलेंगे, हर बार 5 5 5 5 5 5 रुपीज मैं इंक्रीज करूं. ये भी देखिए, एक पैटर्न फॉलो कर रहा. पैटर्न ये भी हो सकता है, अगर आपको याद हो 8th में आपने किया हुआ था कि नंबर ऑफ स्केयर्स मेरे पास, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने स्केयर्स मेरे पास हैं. अगर मेरे पास जो है ये 1 स्केयर, ये 2 स्केयर, ऐसे ही एक लाइन में जितने स्केयर्स होते हैं ना उसका स्केयर, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. बहुत तरह के पैटर्न्स हमारे पास होते हैं. अच्छा, एक पैटर्न ये भी हो सकता है, हम अगर कहें कि एक एनिमल की रिप्रोडक्शन, एक एनिमल की पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन वो डिपेंड करती है कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाइड होती रहती. कैसे? अगर मेरे पास पहले एनिमल्स 2 थे, अब मेरे पास 4 हो गए, अब 8 हो गए, नेक्स्ट मेरे पास 16 हो गए, 32 हो गए, सो ऑन. ये भी एक पैटर्न. हमने इन सब पैटर्न में से जितने भी ये सारे पैटर्न्स है ना, मेंटल एबिलिटी का कहीं पे टेस्ट हो जरूर करवाए जाते हैं. हमने बट इन पैटर्न में से वो पैटर्न स्टडी करना है जिसमें नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन हो प्रीवियस में कुछ ऐड कर. हाउ टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग समथिंग इन द प्रीवियस टर्म. वो जो ऐड करने वाला नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन, नेगेटिव, कैसे मर्जी. लेट अस डिस्कस दैट फर्स्टली. कोई हम लोग लेते हैं, ये लीजिए, जैसे ये 50 वाला एग्जाम्पल था,
55 कैसे आया? पीछे में 5 ऐड किया, ये 55 बन गया। इसमें मैं फिर 5 ऐड कर दूं, 60 बन गया। हर पिछली टर्म में एक फिक्स्ड क्वांटिटी मैं ऐड कर रही हूं, आई एम एडिंग। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं इस फिक्स्ड नंबर को ए ले लूं, एडिंग वाले नंबर को डी ले लूं, तो बेटा ये पैटर्न ऐसा बन जाता है। सी इट केयरफुली, सी इट केयरफुली, ये पैटर्न ऐसा बन जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं बेटा? ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। What we called them? Arithmetic progression. Where? अब यहां से बहुत important बात आपको समझाने लगी। Where जो मेरे पास A है, that is called first term. Write down please. मैं दोबारा ऊपर लिख देती हूं बेटा। A, a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। और हम इसको टी वन से डिनोट करते, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस इज टी टू, ऐसे ही ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलती जाती। एंड स्मॉल डी, कई बार कैपिटल डी भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आगे समझाती हूं होता क्या है। जो फिक्स्ड क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, देखो इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी, इसमें डी ऐड किया तो ये 2d बन गया, इसमें डी ऐड किया तो ये a प्लस 3d बन गया। ओके, बात समझ आई? एक सीरीज ले लेते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। जस्ट वेट दक्ष, जस्ट वेट, एक सीरीज मैं आपको एग्जांपल लेके देती हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, सो ऑन, दिस इज ए डी। मेरे पास 3 है, देखो हर एक में 3 ऐड करूं तो अगली टर्म बन रही है, तो अपने आप मैं इसको ए प्लस डी, इसको ए प्लस टू डी, इसको ए प्लस थ्री डी, इसको ए प्लस फोर डी लिख रही हूं बेटा कि नहीं? एक पैटर्न मेरे पास, एक इसको जर्नलाइज कर दिया मैंने। अच्छा, जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि डी पॉजिटिव ही हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें मैं डी आपको नेगेटिव लेके दिखाती हूँ। देखिए पैटर्न पूरा बनाते हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अब देखिए, अगर मेरे पास एक सीरीज है 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5, मेरे पास वो है 10। मैंने स्टार्ट जो फर्स्ट टर्म मेरी ए 25, आपको पता है मैं इसमें -5 ऐड करूंगी तो ये 20 बनेगा। तो दैट मींस कि अगर मैंने ये पैटर्न लिखना है ए प्लस डी, डी मेरे पास -5 हो गया, आगे बताऊंगी डी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं पैटर्न के साथ कोरिलेट कर रही हूं। ए प्लस डी, यहां पर ए 25 प्लस ये डी की वैल्यू -5 होगी। ए प्लस टू डी, 25 प्लस 2 × -5, अपने आप देखो ये 15 बन रहा है ना। ए प्लस 3d, 25 plus 3 into -5, देखिए 10 बन रहा है।
अपने आप अगले 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 टर्म आती जाए। इससे मैं कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 100 टर्म निकालो, वो भी आपको निकाल के बता सकती हूँ। 10,000 टर्म निकालो, वो भी हम निकाल सकते हैं। बट सबसे पहले हमें पैटर्न के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड पैटर्न पता चल गया, बट वो 100% एपी कब होता है? जब डी सेम रहे। हम किसी भी, मेरे पास कोई भी पैटर्न दिया हुआ है, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो कैसे एपी में होता है जिसमें डी सेम रहे? तो हमें डी निकालना आना चाहिए ना। वो डी कैसे? यहां से तो मैंने हिट एंड ट्रायल से आपको बताया, बेसिकली जब हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करते हैं। मैंने आपको एपी बताई होती कैसी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन। मैंने आपको ये बता दिया, ये टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकंड है, ये टर्म थर्ड है, ये टर्म फोर्थ है। पहले इसको जर्नलाइज करें, सबसे पहले जर्नलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये देखो, ये टी वन ए है, क्या मैं ए को ए प्लस जीरो डी लिख सकती हूँ? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। टी टू है, ए प्लस डी, ए प्लस वन डी लिख सकती हूँ। टी थ्री है, ए प्लस, मेरे पास ये टू डी है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, टू डी चलेगा। टी फोर, ए प्लस थ्री डी। आप कुछ देख रहे हो इसमें कोई पैटर्न है? अगर यहाँ वन है तो यहाँ जीरो, यहाँ टू है तो यहाँ वन, यहाँ थ्री है तो यहाँ टू, यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री। मतलब जो टर्म लिखनी है ना, अगर मैंने फोर्थ टर्म लिखनी है, ए तो आना ही आना है, डी के आगे उससे एक कम आना है वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं टेंथ टर्म, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द टेंथ टर्म? हरी अब ओके अक्षित, यस बेटा अक्षित, यस अक्षित, मैम आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया। चलो आप बता दो, आप बता दो बेटा। तान्या, ए प्लस 90, ए प्लस 90, वेरी गुड, ए प्लस 90, बिल्कुल करेक्ट। तो मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर दूं, अगर मैं कह दूं टी एन ए प्लस, यहां पर क्या आएगा, एन माइनस डी। ये मैंने जर्नल टर्म का फॉर्मूला बता दिया आपको, जिसको हम nth टर्म भी कह देते, वी कैन कॉल देम nth टर्म। ओके, इसको हम क्या कह देते हैं, nth टर्म। मतलब मान लो अगर मैं कहूं कि 99th टर्म बताओ, आप n की जगह 99 पुट करोगे, तो ये a प्लस 99 माइनस 1 कितना हो गया, 98d। अपने यहाँ फॉर्मूला ड्राइव हो, इसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कह देते हैं, अगर एक सीरीज में टर्म्स मेरे पास हो गए अप टू n। वैसे मैं कह रही हूँ टी फोर है, सो ऑन, और मैं कह रही हूँ यहाँ टी एन, मतलब लास्ट टर्म nth टर्म है, n टर्म्स आर देयर। ये एक मैंने पैटर्न बता दिया, जनरल टर्म बता दी एपी की, बट एक सीक्वेंस एपी में तभी होता है, मैं बार बार कह रही हूं, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? कॉमन डिफरेंस होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, कंजेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस। किन्हीं दो कंजेक्टिव टर्म्स में आप देख लीजिए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी और फर्स्ट टर्म है ए, ये कट गया तो कॉमन डिफरेंस डी आया। मान लीजिए अगर एक ये सीरीज आपको दी है, आपको कहा गया कि चेक करो
ये एपी में है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना आया, टू, इन दोनों का डिफरेंस टू, इन दोनों का टू, इन दोनों का टू, सब में सेम ही डिफरेंस चल रहा है ना, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा एक पैटर्न लिख के दिखाती हूँ, ये देखिए 10, 40, 70, 110 इज इट एन एपी, इज दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी? यस दक्ष, यस बेटा दक्ष, यस मैम, ओके यू आर सेइंग यस मैम। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं। हाँ जी दिव्यांश मैम, नो मैम, व्हाई नॉट मैम? क्योंकि मैम कॉमन डिफरेंस मैच नहीं करता, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ध्यान से देखिए दक्ष, यहाँ पर देखिए दोनों को माइनस किया 30, यहाँ पर भी दोनों को माइनस किया 30, बट यहाँ माइनस कर रही हूँ तो 40, तो ये एपी में नहीं है। सबसे पहला ये सारा कॉन्सेप्ट लगाने से पहले मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर प्रीवियस टर्म एक फिक्स्ड टर्म उसमें ऐड करें और नेक्स्ट टर्म आए तो हम हर एक में यहाँ पर डी 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 ऐड कर रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है। अगर डी नहीं सेम होगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, ये तो डी चेंज हो गया, तो ये एपी में नहीं है। दक्ष इज इट क्लियर? हाँ जी दिव्यांश, एनी डाउट? ठीक है, तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस, और मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, हम ऐसे भी लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, टीएन माइनस टीएन माइनस 1, मतलब एन आपने 2 लिया तो ये टी 2 माइनस ये टी 1 बन गया, अगर एन 3 लिया टी 3 माइनस टी 2, कभी भी टी 4 माइनस टी 3 हो गया, टी 3 माइनस टी 4 नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, कैसा भी हो सकता, बट इट शुड बी सेम। ओके बेटा, तो अभी तक जो हमने स्टडी किया, पहला लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में कब होते हैं, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। अच्छा जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो दैट मींस वो टू है, टू में जीरो ऐड किया, टू 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 टू, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है जीरो ना, दैट इज आल्सो इज एन एपी। हां जी दक्ष मैम, टी की जगह मैम कुछ भी हो ही सकता है, हम ए भी तो लिख ही सकते हैं। हां जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, कई बुक्स में ए वन ए टू ए थ्री लिख देते हैं, दे राइट जर्नल टर्म एज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं ए क्यों नहीं लिखती हूँ, समटाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद बोथ दीज ए, दैट्स वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दक्ष, हाँ जी दक्ष, यस बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ओके चलिए ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास हो गए, मैं आपको बता रही थी कि हमने ये किया कि एक एपी जो है उसके रिप्रेजेंटेशन टी वन ए, टी टू ए प्लस डी, टी थ्री ए प्लस टू डी, सो ऑन, जनरल टर्म टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो टर्म्स को माइनस करेंगे ओनली देन वी कैन गेट द कॉमन डिफरेंस। ओके जी क्लियर बेटा, दिस जनरल टर्म is also known as last term, okay? और बहुत important बात, n की value कभी भी ना तो zero होती है
ना कभी नेगेटिव होती। आप जब भी टर्म काउंट करते हो ना, आप क्लास में बच्चे काउंट करते हो, तो यू नेवर से दिस इज द जीरोथ स्टूडेंट, नेवर से, यू ऑलवेज स्टार्ट द काउंटिंग विद वन। आप यहाँ पोजीशन दे रहे हो, दैट्स व्हाई एन की वैल्यू वन पुट की, तो वन माइनस वन जीरो, तो ए अकेला बच गया, इसीलिए टी वन इज ए। ओके बेटा, यस दक्ष, हाँ जी बेटा दक्ष, हाँ जी बेटा। तो अब मेरे पास जो है, मैंने आपको एपी सीरीज समझा दी कि कैसी होती है मेरे पास। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको क्लैरिटी होगी। कि सबसे पहले तो आपको कंडीशन ये दी हो सकती है कि आप चेक करो कि क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी रिप्रेजेंट करती हैं कि नहीं। तो मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था जिसमें एक केस में एपी था, एक में नहीं था, तो मतलब हमने कॉमन डिफरेंस देख लेना है कि क्या वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है उस सिचुएशन में। अगर सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं सेम आ रहा तो वो एपी नहीं है। ओके बेटा, तो लेट अस सी एक्सरसाइज 5.1, उसी में सब कुछ हमारा कवर होगा जो अभी मैंने आपको बताया है। और डोंट मिस दीज लेक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें हर टर्म में, हर स्टेप में हम नई चीज करेंगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज रिटन हियर इन दिस क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे हैं, हमें रीजन स्पेसिफाई करना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। वो कहते हैं कि जो हम किसी टैक्सी को हायर करते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मेरे पास जो फेयर है रुपीज 15 है एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर मैं यहां पर नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हूं तो मेरे पास फेयर हो जाएगा 15 + 8 = 23। अगर 3 किलोमीटर करती हूं, ये तो लगना ही लगना है 15 साथ में, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 15, बाकी 2 किलोमीटर के लिए 8, यानी 8 ऐड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 31। अगर आप देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, दिस इज ए, दिस इज ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2d। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप 3-4 टर्म्स लिखो। आप 4 किलोमीटर के लिए देखिए 15 + 3 = 8 तो मेरे पास जो है 39। आप कहोगे क्लियरली t2 - t1, इसमें से ये माइनस करूं 8 आ रहा है, t3 - t2 8 आ रहा है, t4 - t3 वो भी 8 आ रहा है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम, सो इट इज एन एपी। रिप्रेजेंटेशन करना आपका काम है, कैसे आप मोल्ड करते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए टोटली डिपेंड्स अपॉन। सबको बात समझ आई कि कैसे हम चेक कर सकते हैं? अच्छा, यही अगर एक पर्सन ने अपने घर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो और उसने देखना हो कि कितना का बजट है, तो वो क्या करेगा, बता सकते हैं मुझे? ओनली तान्या, बाकी सब बच्चे सोए हुए हैं, तान्या ओनली। चलिए तान्या, आप बताइए बेटा। मैम, अगर 100 किलोमीटर का होगा तो हम टर्म 99 लेंगे और फिर ए प्लस 99d करके उसको निकाल लेंगे, फिर उसमें उसकी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पर किलोमीटर ये अमाउंट निकाल रही है ना बेटा, वी आर कैलकुलेटिंग अमाउंट कि 15 + 99 जो है मेरे पास
क्योंकि 100 किलोमीटर है, तो 99 × 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा कि अगर हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है तो टैक्सी वाला कितने पैसे लेगा। तो देखो रियल लाइफ के साथ एग्जाम्पल कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। यही यहाँ से दिल्ली जाना है अगर हम माने, तो मुझे एग्जैक्ट दिल्ली का पता नहीं है, तो मान लीजिए 600 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपको ये पता हो कि अच्छा जी कितना अब वो रेंट लेगा टैक्सी वाला, ओला करते हो कुछ भी आप, वट एवर द टैक्सी यू, तो आपको आप पहले ही इवैल्यूएट कर सकते हो, आपको वो फूल नहीं बना सकते, वट एवर द रेट इज देयर। हाँ जी दिव्यांश, यस दिव्यांश, बात समझ आई सबको। तो ये एपी इज 100% कोरिलेट विद योर रियल लाइफ, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड, मेरे पास जो है, लेट अस सी कि मेरे पास ये क्वेश्चन जो है एपी में है कि नहीं। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ट्रिक है, ओके। लेट अस सी क्वेश्चन सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ओके, एक सिलेंडर में जो एयर का अमाउंट है ना, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वो क्या कह रहा है कि हर बार जो वैक्यूम पंप है ना वो 1/4 ऑफ द एयर निकालता है। अब मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में कितना, मैं क्या करती हूँ स्टार्टिंग में, मैं मान लेती हूँ लेट इट बी वी, पहले वी थी अमाउंट, अब उसने निकाल ली 1/4, यानी फर्स्ट टर्म में वी हो गई, सेकंड टर्म में बेटा क्या हो गया, वी में से 1/4 वी निकाल लिया, निकाला ना 1/4 ऑफ द वी उसने कैलकुलेट कॉमन ले ली, तो क्या होगा 3v/4 इतना बच गया। अच्छा थर्ड टर्म में देखें क्या होगा, बचे में से ध्यान से देखना, बचे में से हमने 1/4 उसका क्या करना था, माइनस करना था। अब इसको सॉल्व करें, 3/4v कॉमन है, ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा 1 - v भी चला गया, 3/4 भी चला गया, 1/4 क्या बचा, ये 3/4 v, और इसको भी सॉल्व करो तो 3/4, अरे 3/4 square v ये बचा। हम पहले यहीं से देख लें कि कॉमन डिफरेंस बन रहा है कि नहीं। अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया, आप इसमें सॉल्व करना चाहते हो तो करिए, ये 9/16 v आया बेटा। मैं इन दोनों को माइनस करूं क्योंकि एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले v2 - v1 करूं, तो मेरे पास 3/4 v - v, तो बेटा ये 4 LCM 3v - 4, ये -v/4 आया। अब t3 - t2 करूं, t3 कितना था 9/16 v और t2 कितना है 3v/4, तो मेरे पास 4 और बेटा यहां पर 4 9 36 v माइनस यहां पर 3v, बेटा ये तो 33v/4 आया। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया, आप लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये एपी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। मेरी बात समझ आई सबको, ये एपी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द लिस्ट या सिचुएशन हियर इज नॉट इन एन एपी। सबको समझ आया क्वेश्चन, माइनस ध्यान से करना है कॉमन डिफरेंस, जो ध्यान से दे, ठीक है जी। अब आपका होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, आप यही मुझे
होमवर्क कॉपी पे सेंड करोगे, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जो है ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, लेट अस. ऐसे क्वेश्चन वन वन नंबर में इतने बनते हैं ना, बहुत सारे. तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो. मेरे पास वो है क्वेश्चन टू फर्स्ट पार्ट ए 10 डी 10. मुझे फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है. आपको मैंने टर्म का फॉर्मूला बताया, टी वन ए होता है, ए गिवन है डी 10, मैंने लिख लिया. टी टू ए प्लस डी होता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो ये कितनी आ गई 20. टी थ्री क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू इंटू डी दैट इज 30. टी फोर कौन बताएगा फोर्थ टर्म, हरी अब हु इज एबल टू टेल मी द फोर्थ टर्म. बस वही थ्री फोर बच्चे. हाँ जी महक बेटा, यस महक, ए प्लस थ्री डी, वेरी गुड. ए प्लस थ्री डी मेरे पास तो है, फोर्थ टर्म देखें तो ए प्लस थ्री डी मेरे पास 10 प्लस 3 इंटू 10 आंसर इज 40. तो आप लिखोगे देयर फोर टर्म्स आर 10 20 30 40. काम खत्म. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आई मेरी. चले बेटा आगे चलिए. ऐसे ही मेरे पास सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, लेट अस डू द सेकेंड पार्ट. ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड पार्ट, ए इज माइनस टू डी इज जीरो, सो व्हाट. अब क्या लिखोगे यहाँ, मेरे पास होगे फर्स्ट टर्म ए माइनस टू, सेकेंड टर्म ए प्लस डी दैट इज माइनस टू प्लस जीरो आंसर माइनस टू, थर्ड टर्म a plus 2d minus 2 plus 2 into 0 answer is minus 2, t4 a plus 3d minus 2 plus 2 into mere paas sorry 3 into 0 answer is minus 2, therefore terms are mere paas minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. Okay beta, clear to everyone, any doubt to anyone, baat clear hogi. Now your homework is question number second, fourth part, fifth part. Okay, yes Divyansh. Ma'am fraction mein bhi ho sakta ma'am d, bilkul beta main baar baar bol rahi hu. D can be zero, D can be fraction, D can be in negative number, any type of D can be even in root also, root 2, root 3, kaisa bhi ho sakta. Ma'am, wo wala fir solve karna thoda okha nahi hoga. Ma'am, wo fir solve karna okha nahi hoga. Nahi hoga, hum questions karenge beta, aage don't worry. Aayengi that I will tell you. Okay? Clear mera beta? So now, the time is over. Okay, so we will continue from the question number third from Monday. Till then, goodbye and